उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को जहर दिए जाने का डर सता रहा है। अब्बास अंसारी ने कहा, मेरे पिता की हत्या में शामिल लोग अब जेल प्रशासन से मिलकर मेरी भी हत्या करवा सकते हैं। उसने खाने में जहर मिलाने की आशंका जाहिर की है। बता दें कि बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी ने मौत से कुछ दिनों पहले खाने में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी। वकील ने बताया कि जेल में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद गाजीपुर के CJM ने कासगंज के जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि कैमरे की निगरानी में उनके खाने की जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली 3 दिनों की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे जिला जेल से कासगंज जेल भेज दिया गया है। सुबह 4:38 पर कासगंज जेल के लिए अब्बास अंसारी रवाना हुआ। उसे अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जमानत मिली थी। इसके बाद अब्बास अंसारी 10 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचा था। अपने आवास पर पहुंचने के बाद उसने कालीबाग कब्रिस्तान में जाकर पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 13 अप्रैल को उसे कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। बता दें कि बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी की अचानक जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था।